हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लूनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने उतारी तीसरी पीढ़ी। चुनावी रण में उतरे ANM भौरी हत्याकांड के आरोपी मलखान के पुत्र महेंद्र विश्नोई। जोधपुर जिले के लूनी विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने कद्दावर नेता दिवंगत राम सिंह विश्नोई की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते महेंद्र विश्नोई का कार्ड खेला है। वे पूर्व विधायक और ANM भौरी हत्याकांड के मलखान सिंह विश्नोई के पुत्र हैं। विश्नोई को टिकट मिलने के बाद लूनी के कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। देर रात कई कार्यकर्ताओं ने उनके रातानाड़ा स्थित आवास पर पहुंच बधाई दी। बधाई का दौर शुक्रवार को भी चलता रहे। टिकट की घोषणा के बाद ही उनके परिजन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर महेंद्र विश्नोई ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। हम ये सीट निकालेंगे, इन लोगों के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जोजरी और लूनी नदी प्रदूषित है। क्षेत्रवासी लंबे समय से क्षेत्र की समस्या से परेशान है। कई समस्याओं पर कार्य नहीं हुआ। पहले जो जोजरी रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया था उसे अमल में लाया जाएगा। कागजी कार्य योजना की बजाय धरातल पर इस दिशा में काम किया जाएगा। बता दें कि महेंद्र विश्नोई फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव हैं। वे युवा कार्यकर्ता के रूप में 5 साल से सक्रिय हैं और पेंट शर्ट में सादगी से रहते हैं। उनके पिता पूर्व विधायक मलखान सिंह इन दिनों ANM भौरी हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हैं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, दादा से लेकर पोते तक, क्या कहना है आपको, इस भरोसे पर कितने खड़े उतरे? इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी और हमारे अशोक जी गहलोत और हमारे राहुल जी गांधी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को उन्होंने अपने विश्वास पर खरा उतरूंगा, कोशिश करूंगा पूरी पूरी, और मैं जो मेरे पे विश्वास जताया मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश। क्या मुद्दा रहेगा आपके, किस मुद्दों को लेकर आप वोट मांगने के लिए जनता के सामने जाएंगे? काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, और हमारे यहाँ पे जोजरी नदी है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जल प्रदूषण है। NGT ने भी इस पर भी हमारे यहाँ पे भी किया था। अब NGT में हमने इसको प्रेस पे रखा था। अब जिस तरह से इन्होंने प्रदूषण, जोधपुर का पूरा प्रदूषण हमारे जोजरी नदी में डाल जा रहा है, पूरा लूनी क्षेत्र उसी के नदी के आसपास है, उस हिसाब से मैं इसको प्रदूषण को मिटाने की कोशिश करूंगा। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो कोई काम जो हमारे कार्य क्षेत्र में हुए थे वो रुके हुए हैं, तो उस हिसाब से हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।